ये देखिए हमारा मंदिर ऐसे सज गया है। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। और कान्हा जी का झूला भी रेडी हो गया है, मतलब कि पालना। और कान्हा जी इसमें रात में बैठ जाएंगे। अभी कान्हा जी इसमें है पेट में, और अभी जन्म हो जाएगा रात में 12 बजे, तो इसमें बिठा देंगे। और कैसा लग रहा है हमारा मंदिर? और हमारे लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं चिंडामृत में, और वो चिंडामृत मैंने साइड में रख दिया है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि शादी के बाद मतलब ऐसे जन्माष्टमी मैं मना रही हूँ। अभी तक मतलब सारे भगवान जी थे मेरे मंदिर में, लेकिन बस एक लड्डू गोपाल नहीं थे। और इस बार वो भी, उनकी भी कृपा हो गई है, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बच्चे भी बहुत खुश हैं। आयुषी तो सो गई है अभी, आयुषी को उठाया था तो वो नहीं उठी है, लेकिन डुग्गू और हम सब उठे हुए हैं। और ये देखिए मैं पूरा श्रृंगार कर दे रही हूँ, उनका तिलक लगा दे रही हूँ। ऐसे ग्लू आता है टिब्बी में ना, ऐसे गम आता है, उससे चिपका सकते हो। और कान्हा जी के ना मेरे कान में मतलब होल भी दे रखे हैं, आप मैं कुंडल भी ऐसे पहना सकती हूँ ऐसे ख़रीद के, और मैं लेके आऊँगी धीरे धीरे, मैं सारा सामान कर लूँगी। और इतना मन खुश हो रहा है ना श्रृंगार करने में, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने सुंदर कान्हा जी लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। और आज है दिन मंगलवार, और आज है कान्हा जी का जन्मदिन, मतलब कि जन्माष्टमी। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और आज के दिन की शुरुआत हो गई है, और मैं तैयार हो गई हूँ, नहा लिया है सब लोगों ने। और आज एक स्पेशल चीज़ भी है, आज हमारे घर में सब ने व्रत रखा है, बच्चों ने भी व्रत रखा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बच्चों ने भी व्रत रखा है। मैंने बोला था बच्चों को सुबह ना कि सभी लोग व्रत रख लो आज, और व्रत का ही खाना मैं बना दूंगी, तो बोला कि पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ कुछ खाने को मिलेगा फ्रूट। और जैसा कि मैंने बताया कि आज हम सब ने व्रत रखा है, इनका इनके ऑफिस की छुट्टी नहीं है, ये तो ऑफिस गए हुए हैं। और मैंने इनको भी मतलब फ्रूट्स दे दिए थे कट करके, और सुबह दूध दे दिया था, और मूंगफली और मखाना ऐसे फ्राई करके दे दिया था, तो ये खा के चले गए। और डुग्गू, आयुषी, मैं और रितु, चारों लोग हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, वही चाय, मखाने और वही मूँगफली मैंने सब फ्राई कर लिया है। और मुझे अजीब भी लग रहा है, क्योंकि बच्चे ना पहली बार, मैंने बोला तो बच्चे रेडी हो गए व्रत रखने के लिए, तो डुगू ने भी व्रत रखा है, मान गया, और उसको भूख भी नहीं लगी, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ खाते रहे थे घर में, मतलब कभी फ्रूट्स खा लिया, कभी ये खा लिया, आराम से दोनों ने व्रत रख लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग रख पाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी बड़े हो गए हैं, यही पता चल रहा है बच्चों का कि अभी बड़े हो गए हैं, बच्चे भी समझते हैं। आयुषी भी नीचे पार्क में गई थी तो बोल रही थी कि मम्मा मेरी ना कई फ्रेंड हैं, और उन्होंने भी ना आज इस बार ना पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रखा है, तो मैंने कहा रखना चाहिए, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे से थे तभी से हम लोग व्रत रख लेते थे। और ये देखिए मैं ना नारियल की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ, मतलब हमारे यहाँ इसको पाक बोलते हैं, और पाक जमाते हैं इसलिए पाक बोलते हैं इसको। नारियल की और खरबूजे की मिंगी आती है, उसकी भी बनाते हैं। तो खरबूजे की मिंगी तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन नारियल मैं लेके आ गई थी मार्केट से, उसको मैंने कस लिया है, और फिर उसको ना मिक्सी में चला ले रही हूँ। और ये इलायची भी थोड़ी पीस ली है इसी में डालने के लिए। और ये कढ़ाई आपको ऐसे ही दिख रही होगी ना, क्योंकि इसमें ना मैंने मावा बनाया था, तो फिर मैंने इसको साफ़ नहीं किया, मैंने कहा इसी में चाशनी बना लूँगी। मैं वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं दिखाती हूँ कि वीडियो के लिए स्पेशली कर रही हूँ, जो मैं घर में करती हूँ वही सब दिखा देती हूँ मैं। और
ऐसी हो रही है मेरी कढ़ाई, और फिर मैंने इसमें इसी में बना लिया है, और इसको थोड़ा ना जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है क्योंकि ये जम जाएगा, चाशनी थोड़ी इसकी गाढ़ी बनाते हैं। और ये देखिए सारा नारियल मैंने ना पीस लिया था, तो इससे क्या टेस्ट बढ़ जाता है। और ये मावा देखिए हमने बना के रख लिया था ना घर में ही, ये मावा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मैंने मावा वगैरह सब मिक्स कर लिया है, और इससे प्लेट में निकाल के ना इसको अच्छे से ऐसे प्रेस करके और इसको ऐसे जमा देंगे। और ये थोड़ा सा नारियल मैंने ड्राई नारियल निकाल लिया था ऊपर से ऐसे डालने के लिए, इससे कि अच्छा लुक आ जाएगा। और ऐसे जमा दूंगी, हाथ से फैला दे रही हूँ अच्छे से, और इसको चाकू से मैं अभी सेम टाइम ही कट कर दूंगी। और थोड़ी देर के लिए ना इसको फ्रिज में रख देंगे, तो ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मतलब थोड़ा सा जम जाएगा फ्रिज में ना। अभी थोड़ा सा मतलब मेरा खोआ ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए इसमें ना सॉफ्टपन है अभी मतलब। और ये मैं खाने की कर रही हूँ तैयारी, ये मैंने समा के चावल, मतलब समा के चावल ही बोलते हैं व्रत वाले चावल, वो बना रही हूँ मैं, उसकी मतलब पुलाव जैसा बनाऊँगी। और ये आलू कट कर लिए, सब्जी बनाऊँगी, और थोड़ी सी व्रत वाले आटे की बनाऊँगी पकौड़ियाँ, क्योंकि सब ने व्रत रखा हुआ है इसीलिए तीन चार आइटम तो बनाने ही पड़ेंगे, सब लोग खाएंगे। और ये देखिए हरी मिर्ची मैं एक साथ ही कट कर ले रही हूँ सबके लिए, और इसमें ना हरी मिर्च थोड़ी कम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और खाने की तैयारियाँ बस होती जा रही हैं, पर किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने एक साइड में वही सब खिचड़ी बनाने रख दिया है, और दूसरी साइड में मैं सब्जी फ्राई कर लूँगी। ये सब्जी हमारी फ्राई हो जाएगी, और मैंने ना धनिया पत्ता लेके आई थी तो धनिया पत्ता भी काट ले रही हूँ, और ये सब डाल लो तो अच्छा लगता है, टेस्ट आ जाता है अच्छा सा। और आलू कट करके पहले ही रख लिए थे, वो सब मैंने ना बाहर छील लिए थे बाहर बैठ के टेबल पे, क्योंकि किचन में तो बहुत गर्मी हो रही है, और साड़ी पहनने से तो और भी गर्मी लगती है। और ये देखिए व्रत का नमक जो अलग से रखा हुआ है, वो भी मतलब ये सेंधा नमक ना इसमें ये सूख के पता नहीं क्या है इसमें डेली बन जाती है, कभी भी नॉर्मल नहीं रहता है, तो वही है कि इसको थोड़ा मैस करके डालना पड़ता है इसको। और डेली मैं भी वही यूज कर रही हूँ, इसकी ना डेली बन जाती है, डेली में भी डेली बन जाती है इसकी ना। और अभी मिल रही हूँ मैं रात को, रात के बज गए हैं 11:30, तो मैंने सोचा कि इसकी तैयारी कर लेते हैं, चिन्नामृत बना के रख देते हैं। तो चिन्नामृत मैं बना रही हूँ, दही ले लिया है, दही में चीनी और शहद, थोड़ा सा गुलाब, वो क्या बोलते हैं गंगा जल और तुलसी पत्र, और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए वो सब डाल देते हैं, थोड़ा सा घी डालते हैं इसमें, और थोड़ा सा डालते हैं कच्चा दूध, मतलब मिला के कई सारी चीज़ें डालते हैं तब ये चिन्नामृत हमारा रेडी हो जाता है। और इसी को इसी से हम अपने लड्डू गोपाल को निलाएंगे, और ये ही हम लोग सब लोग 12 बजे जब जन्म हो जाएगा तब ये ही ग्रहण कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल का आज का श्रृंगार है, ये सब मैंने निकाल के रख लिया था, अभी बस 12 बजने ही वाले हैं और हम लड्डू गोपाल का जन्म करेंगे और बिठाएंगे। और हम सब आरती कर ले रहे हैं, और अभी रात के एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं, आयुषी नहीं उठी है तो मैंने कोई बात नहीं, उठेगी नहीं तो कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं 4 लोग पूजा कर लेंगे।
और कान्हा जी का जन्म हो गया है, कान्हा जी हमारे घर आ गए हैं। और आप सब लोग कैसे मनाते हो जन्माष्टमी? हमारे यहाँ मैंने तो ऐसे ही देखा है, बचपन से ऐसे ही जन्माष्टमी बनाते हैं, लड्डू गोपाल जी का जन्म करते हैं और सुबह के समय ना खीरा में बिठाते हैं शालिग्राम को। ऐसे बोलते हैं कि खीरा को मतलब बीच में से ऐसे धरती में मार के ऐसे फाड़ देते हैं और वो पेड़ बना देते हैं, तो पेट में बैठे हुए हैं शालिग्राम जी। और रात को हमारे यहाँ सिंहासन में बिठाते हैं कि जन्म हो गया है लड्डू गोपाल का। गाइस, और हमारी हो गई है पूजा, लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और अभी टाइम हो रहा है 12:35 और बस मैं कपड़े वपड़े चेंज करके अभी सोने वाली हूँ। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।